प्रतिक्रिया ये है कि जो इन्होंने जो फैसला लिया उसका हम सम्मान करते हैं, और देश का देश ही सम्मान कर रहा है, तो बहुत ही एक थोड़ी खुशी की लहर है। एक वो दिन था 21 तारीख, 21 दिसंबर काला अब दिवस था, और एक आज का दिन है जो खुशी का माहौल है। जिस तरह से जो फैसला आया है उससे क्या अपेक्षाएं बढ़ी हैं? अपेक्षा ये बड़ी है कि शायद अब WFI के जो अध्यक्ष बनेंगे, पूरी टीम बनेगी, उसमें एक अच्छे इंसान आएंगे, वो अच्छे इंसान जो कुश्ती को समझते हो, रेसलिंग को थोड़ा बहुत समझते हो, जिनके पास मेडल हो, जिनको ये पता हो कि कुश्ती क्या चीज है, वो लोग आ रहे हैं फेडरेशन के अंदर, जिन्होंने ये नहीं पता कुश्ती है क्या चीज, जिन्होंने कुश्ती का ही नहीं पता, तो ये बातें ठीक। तो ये चीज हम यही चाह रहे हैं कि जो फेडरेशन में जो आदमी आए वो रेसलिंग से संबंधित इंसान आने चाहिए, ब्रजभूषण का सहयोगी बताया था आपने जो तो। ब्रजभूषण का सहयोगी, जो संजय सिंह बने थे, ये ब्रजभूषण के सहयोग थी। वो तो देखा देश ने, उन्होंने तख्ती पे भी लिखा दबदबा रहेगा और भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। और जो जिस दिन 21 तारीख को ये अध्यक्ष बने थे, संजय सिंह तो अपनी अध्यक्ष बने हैं, और माला किसके गले में, ब्रजभूषण के, तो ये साफ दिख रहा था कि ब्रजभूषण का ही दबदबा चलेगा। और जो 28 तारीख को जूनियर के नेशनल गेम्स होने थे बच्चों के, उसमें भी उन्होंने गोंडा में किया, जो कि हमेशा गोंडा में करवाता आ रहा है, जो कि बच्चे वहां जाने के लिए खुश नहीं थे, क्योंकि वहां पे कोई अच्छा काम नहीं होता, बच्चे डरे हुए होते, वहां पे उनका वहां पे शोषण होता था, तो इसी वजह से अब वो फिर दोबारा डर गए कि गोंडा में हो गया। तो एक ये कल के बाद रोष हुआ है हमारे देश में कि उनका दबदबा ऐसे ही चलता रहेगा, तो अपना दबदबा उन्होंने दिखा दिया है। और जो साक्षी ने एक ट्वीट भी किया था, उसमें ये कहा था कि लड़कियों का फोन आ रहे मेरे पास, दीदी हम क्या करें, वही गोंडा में प्रैक्टिस नेशनल होएगा, तो इसके लिए एक हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, तो बच्चिया कह रही थी हम शायद वहां ना भी जाएं, तो इस चीज को देखते हुए शायद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने फैसला लिया, तब ज्यादा खुशी मिलेगी। क्या हुआ साक्षी से बात हुई तो क्या हुआ? साक्षी से बात, उसने कहा कि अच्छा है, अच्छा मैं फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब आगे टीम बनेगी, WFI अध्यक्ष की पूरी टीम बनेगी, अध्यक्ष बनेंगे, वो अच्छी चीज बनेगी, तब मैं ज्यादा खुश रहूंगी, अच्छा, वो अच्छे इंसान आएंगे तो। जिस तरह से फेडरेशन के चुनाव उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव, हाँ जी, तो अब वो कोर्ट में भी जा सकते हैं? वो निष्पक्ष चुनाव है, वो तो उनका अपना विचार है कि वो कोर्ट में जाए या ना जाए, लेकिन जो चुनाव हुए हैं, वो जो 21 तारीख रखी हुई थी, चुनाव की डेट तो पहले भी रखी गई थी, लेकिन उस स्टेट उनको बोला गया था, उनके साथ वादा खिलाफी हुई थी, तो उस चक्कर में इन्होंने अपना संन्यास भी लिया, और ये कोर्ट में जाने वाली बात तो उनका अपना है कि वो कोर्ट में जाए या ना जाए, इस बात के बारे में हम नहीं बता अच्छा, सकते। जिस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी है जी खिलाड़ियों की, जी तो क्या साक्षी को फेडरेशन में जाना चाहिए? साक्षी को, अगर साक्षी को हम तो चाहते हैं कि फेडरेशन में जाए, उसको पता है फेडरेशन कैसे, मतलब कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना है, कैसे नहीं, लेकिन इसके बारे में हमारा भी कोई विचार नहीं है, पर उसका तो ये मानना कि महिला जाए, महिला अध्यक्ष होनी चाहिए, वो ये नहीं कहती मेयर को बैठना, उसने तब भी एक महिला का नाम लिया था, हमारी अनिता सोरण, तब भी वहां पे इवन जो 15 सदस्यों की टीम है उसमें एक भी महिला नहीं थी, जो कि हमारा करें 30% महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो उसमें कम से कम 5-6 महिला तो होनी चाहिए, अगर 15 उसमें है तो बस ये चाह रही कि महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि भी खिलाड़ियों की आवाज उठाने के लिए राजनीति में भी आ सकती है वो। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही शोषण होते रहे, ये शोषण नहीं रुकते हैं, तो वो महिलाओं के प्रति वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ आगे, उनके आगे खड़ी है, अब भी महिलाओं के ही जो साथ शोषण था उन्हीं बच्चियों के लिए खड़ी थी, उसने तो अपना नाम, अपना उसके पास मेडल भी हो गया, उनका नाम शोहरत, तो उसने अपना सब कुछ कमा लिया, तो अब उन्हीं लड़कियों के लिए बैठी थी कि जो शोषण हो रहा है वो शोषण ना हो, तो लड़कियों के शोषण के लिए अगर कहीं भी होता वो आगे खड़ी रहेगी, वो उनके साथ रहेगी, और कहीं भी जाती है उस, अगर मैं वो तो ये कहती है अगर किसी को कहीं भी जरूरत हो लड़की को, तो मैं उनके साथ ही रहूंगी, अच्छा, ऐसी बात नहीं। उस दिन काफी दुख था खिलाड़ियों जी में, बिल्कुल और भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हुई इनकी जी और प्रियंका गांधी जी से भी। जी वो तो एक आप पारिवारिक समझ लो, या उनके इनके लोकसभा विधानसभा के यहाँ पे, यहाँ रोहतक के रहने वाले हैं, तो एक उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि एक हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी उसने लड़ाई लड़ी, उन्होंने यही कहा है कि हम आप लोगों के साथ, आप चिंता ना करो, उन्होंने यही कहा था आप दोबारा विचार करो, कुश्ती में जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो, तो उनकी तो एक जो एक प्रेम, एक भावना, एक उनको एक दुख था कि बच्ची जो रो रही थी उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसको एक सांत्वना देने के लिए एक अपने अच्छा, दोबारा वार्तालाप के, विचार करना चाहिए वार्तालाप के साक्षी को, विचार करना चाहिए। साक्षी दोबारा विचार, अगर फेडरेशन आती है और फेडरेशन बनती है और फेडरेशन में अच्छे इंसान बनते हैं जो समझ सके रेसलिंग को,
जो समझ सके हर एक चीज को, जो समझ सके महिलाओं के दुख को, जो समझ सके जितने भी इनको तकलीफ है, तो फिर उसके बाद क्या सोचेंगे। खिलाड़ियों के दबाव में आई है सरकार, ऐसा लगता है आपको? ये तो आप भी देख सकते हो, साक्षी ने संन्यास लिया, बजरंग ने अपना पीएम आवास पे अर्जुन पदम शरीर रखा, और भी हमारा एक और पहलवान है वो भी कह रहा कि मैं भी रखूंगा, और भी आगे पहलवान आ रहे हैं, देश में भी ज्यादा रोष हो रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए, और साक्षी ने एक ट्वीट भी किया है, उसका भी एक असर पड़ा है, बाकी लोग और भी ट्वीट कर रहे हैं, और भी मीडिया पे बहुत सारा चल रहा है, शायद उन चीजों को देखते हुए, वो तो खेल मंत्रालय बता सकता है उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं देखा, लेकिन जो हमारी तरफ से, देश की तरफ से जो रोष हुआ है वो तो एक चल ही रहा था। अच्छा, मंत्रालय का सही फैसला मानते हैं अभी? हाँ जी, ये वाला फैसला सही है कि उनको निलंबित किया है, तो अभी देखते हैं आगे जो बनती है उसका क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।